कल भारत के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को एक ज्ञापन समाज की तरफ से दिया गया है, जिसमें उनसे मांग की गई थी कि जो दोषी लोग हमारे समाज के जो निर्दोष लोग हैं, उन लोगों को जो जेल में पकड़ पकड़ के बंद किया जा रहा है, उस पर भारत के गृह मंत्री होने के नाते वो संज्ञान लें और जो हमारे निर्दोष बच्चों को जेल में बंद कर दिया गया उन्हें छुड़वाने की व्यवस्था करें। जो सामान्य जाति के जो दोषी लोग हैं जिन्होंने गोली चलाते उनको देखा जा सकता है, पुलिस वाले अधिकारियों को राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ते हुए देखा जा सकता है, ऐसी VCD हमने माननीय गृह मंत्री जी को कल सौंपी हैं और उनसे ये अनुरोध किया है कि ये प्रमाण है इस बात के कि हमारे लोगों ने ना कहीं कोई दंगा किया, ना हमारे लोगों ने किसी प्रकार की कोई ऐसी तोड़फोड़ की है। चंद हो सकता है कि एक आध जगह, लेकिन हमें लगता है कि हमारे लोग तो पिछले 200 साल 150 साल का इतिहास अगर हम देखते हैं तो हमारे लोगों ने तो हमेशा शांति प्रिय प्रदर्शन किए हैं। ये देश के लिए, विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं, ये देश के खेतों में काम करके गन्ना गेहूं पैदा करके इस देश को कृषि प्रधान बनाने वाले लोग हैं, ये शहरों में सरिया उठाकर ईंट उठा करके इस देश का शहरी विकास करने वाले लोग हैं। इन लोगों ने कभी इस तरह का हिंसक आंदोलन भारत के इतिहास में नहीं किया है। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, SIT गठित करनी चाहिए, इसकी गहन जांच करनी चाहिए। जिन लोगों ने ये उपद्रव किया है उन लोगों की उनको धरपकड़ करनी चाहिए और हमारे जो निर्दोष बच्चों को जेल में भेजा जा रहा है उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने की सरकार को पहल करनी चाहिए। मैं आज आपके TV चैनलों के माध्यम से भारत की सरकार को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देश का अनुसूचित जाति जनजाति समाज, ये भारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये भारत का मूल निवासी है, भारत का आदिवासी है और इस देश के प्रति समर्पित भाव से आज तक इस देश के विकास के लिए काम करता रहा है। सरकार की जिम्मेदारी में आता है कि इन सब के हितों की रक्षा करें, इनके साथ जो नाजायज चीज़ें हो रही हैं उन पर रुकावट करें, आरक्षण कानून बनाने की दिशा में सरकार पहल करे, पदोन्नति में आरक्षण को बहाल करे। ये जो अत्याचार अधिनियम 89/2015 को अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से रिव्यू पिटिशन में डाला गया, इसमें 10 दिन का टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें सरकार अपनी मजबूत दलीलें पेश करके और ये जो एक सुरक्षा कवच SC ST के लोगों को मिला हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के कारण आज हम सब लोग बहुत ही अपने आप को ठगावा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो भारत की सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। मैं सरकार से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट की रिवीजन है, पिटीशन है या उसके बाद क्योरेटिव पिटीशन भी अगर तय होती है, वो भी हमारे अगर हक में नहीं जाती है, तो उनके पास अधिकार है कि वो संविधान में संशोधन करके इस निर्णय को डायल्यूट कर सकते हैं, इसको वेब आउट कर सकते हैं, जिस तरीके से पहली सरकारों ने, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 3 आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए 81, 82 और 85 संशोधन करके संविधान में व्यवस्था दी और आरक्षण को बचाने का काम किया, उसी तरीके से माननीय मोदी जी की सरकार भी इसमें आगे आए, पहल करे और पहल करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में आगे आए। और अगर सरकार ऐसा करती है तो निश्चित रूप से सरकार के इस कदम का हम स्वागत करेंगे, हम धन्यवाद करेंगे। और आज जो एक असुरक्षा का वातावरण देश के एक एक अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हर व्यक्ति के मन में पैदा हो गया है, भारत बंद जो 2 तारीख को हुआ, हालांकि किसी ने इसका नेतृत्व नहीं किया, ये हर आदमी की अपनी भावना थी। सरकार को हमारे समाज की भावना को समझना चाहिए, समझ करके हमारे समाज के हितों को सुनिश्चित करने की दिशा में पहल करना चाहिए, जिससे कि सरकार के प्रति हमारे समाज का विश्वास जाग सके और हम भी भारत के विकास में जिस तरीके से इतिहास में कार्य करते रहें आगे भी हम कार्य करते रहें। चाहे सहारनपुर का कांड है, गुना का कांड है, आपने कई सैकड़ों पेज का जो ज्ञापन दिया है, क्या उस पर आज तक कार्रवाई हुई है? जी नहीं, अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई हमने, मैं बड़े दुख के साथ मैं भारत सरकार के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को निवेदन करना चाहता हूं कि ऊना के मसले में भी हमारा एक शिष्टमंडल राजकोट गया, अस्पताल में हमारे जो पीड़ित परिवार थे उनसे मिला और हमने एक विस्तृत रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री जी को दी, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2016 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में मुझे जाने का मौका मिला, 1.5 घंटे के संबोधन में बहुत सारे वहाँ पर इशू डिस्कस हुए, वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उपस्थिति में रेजोल्यूशन पास हुए, वो भी एक ज्ञापन 2016 जून में भारत के प्रधानमंत्री जी को दिया गया, उसमें भी किसी प्रकार की कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट आज तक हमको प्राप्त नहीं। इसके बाद में अभी पिछले दिनों जो ये सहारनपुर का मसला हुआ, इसमें भी हमने एक करीब 500-600 पेज का एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करके भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को और हमारे अनुसूचित जाति आयोग के जो चेयरमैन हैं सभी को हमने उसको दिया, लेकिन उसके विषय में किसी प्रकार की कोई भी एक्शन टेकन रिपोर्ट की इसमें कार्रवाई क्या हुई अभी तक हमको नहीं बताया गया। बल्कि मुझे आज आपके TV चैनल के माध्यम से कहते इस बात का बहुत दुख है कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा
हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को जमानत देने के बावजूद भी सरकार ने पता नहीं क्या समझा कि उन पर रासुका लगा करके उनको आज भी कैद कर रखा है, उनको आज भी जेल में बंद कर रखा है। और आज मुझे जो जानकारी मिली है कि वो जेल में ही इस बात के लिए, इस बात से हाथ होकर के जो हमारे बच्चों को आज जो जेल भेजा जा रहा है, जाड़ौल बुलंदशहर के अंदर, गाज़ियाबाद के अंदर, मसूरी थाने के अंदर बहुत सारे पुलिस स्टेशन हैं जिसमें हापुड़ कोतवाली जिला, हापुड़ थाना कोतवाली, गाज़ियाबाद, विजयनगर, मसूरी, मोदीनगर, ये सारे थाने ऐसे हैं जहाँ झूठी FIR करके लोगों को, हमारे लोगों को जेल भेजा गया है। और इस बात को लेकर के कल भी 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। और समाज के लोगों की तरफ से मैं ये सरकार को कहना चाहता हूँ कि साहब, हम तो बड़े शांति प्रिय लोग हैं, भारत के विकास के लिए काम करने वाले लोग हैं, हमारे हितों की आप सुरक्षा करिए, हमारे निर्दोष बच्चों को जेल भेजा गया उन्हें बाहर निकालने की व्यवस्था करिए, निर्दोष जो लोगों को जेल ठूंसा जा रहा है पुलिस के द्वारा, आप उस दमनकारी जो पुलिस का चक्र चल रहा उस पर आप अपना आदेश करिए। और हमारा ऑलरेडी चिट्ठी माननीय राजनाथ सिंह गृहमंत्री जी को दे दी गई है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसमें संज्ञान लेगी और आने वाले समय में जाति जनजाति समाज के साथ में सभी पहलू जो अब तक उनके सामने रखे हैं उन पर न्याय करने की पहल करेगी। सर, ये जो बीजेपी के MP सामने निकल कर आ रहे हैं 2 तारीख के बाद, जो लोग पहले बुरा नहीं करते थे, अब अचानक से वो आ रहे हैं, चाहे वो बहराइच की सांसद साध्वी प्रणव जी हो और या फिर उपेंद्र कुशवाहा जी आए हैं, अशोक कुमार ढोरे डावा से, वो अपने जो बागी स्वर वो दिखा रहे हैं, तो क्या ये स्वर सच्चे हैं या फिर ये भी बीजेपी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है? देखिए, हम आज आपको ये कहना चाहते हैं कि अभी आज हमारे अनुसूचित जाति समाज में जो सैकड़ों जातियाँ हैं, पहली बार पूरा समाज एकजुट होकर के 2 तारीख को उसने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त की है। हम सभी सांसदों से, सभी मंत्रियों से, सभी विधायकों से, चाहे वो किसी भी राज्य में हैं, चाहे वो किसी जाति विशेष से हैं, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी में, हम उनसे निवेदन करेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए 25% के आरक्षण से वो विधानसभा और लोकसभा हम पहुँचे हैं, बाबा साहब का उनके ऊपर भी एक कर्ज है, तो उनको पूरी ईमानदारी के साथ में हमारे समाज के जो मुद्दे उनको उठाना चाहिए और समाज के साथ न्याय कराने की पहल करनी चाहिए। देखिए, ये तो सब समाज के सम्मुख सारी बातें हैं, समाज जैसा तय करेगा, समाज जो निर्णय लेगा उसी में हम समाज के साथ हैं। एक बात मुझे और कहनी थी, ये जो एक ग्राउंड लिया कि मिसयूज होता है कानून का, इनोसेंट व्यक्ति के को झेलना ना पड़े, ये ग्राउंड बना के जो डाइल्यूट किया गया इस कानून को, मैं जानना चाहता हूँ केंद्र की सरकार से, राज्य सरकारों से या कोर्ट से, कोई एक कानून ऐसा बता दो जिसका मिसयूज ना होता हो। दूसरी बात, जब कानून में IPC के अंदर 182 में एक प्रोविज़न है कि अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करता है और ये बात सामने आती है तो उसको 182 धारा के अंदर, IPC के अंदर उसको मुकदमा दर्ज करके प्रोसिक्यूशन का उसमें है, उसको सज़ा की जा सकती है, तो फिर ये अलग से इसको डाइल्यूट करने की क्या ज़रूरत थी? रेयर केसेस तो झूठे आएंगे, हर कानून का के दुरुपयोग के एक ना एक केस जरूर मिलेंगे। जितने जेल में कैदी हैं, 10-15-20% कैदी हर जेल में ऐसे मिल जाएंगे जिनको पता ही नहीं जुर्म क्या हुआ है, जो बेकसूर है। तो ये मिसयूज वाली बात कह के पूरे एक्ट को डाइल्यूट करना उचित नहीं है। अगर ऐसे डाइल्यूट करेंगे तो कोई भी कानून सुरक्षित नहीं रहेगा, क्योंकि हर कानून का कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता है और पुलिस और सरकारें भी दुरुपयोग करती हैं बेकसूरों के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करके। इसका मतलब ये नहीं सारे कानून बेकार हैं, उनको डाइल्यूट कर दिया जाए, बल्कि मेरा ये मानना है जो झूठा मुकदमा दर्ज करता है उसको 182 के अंदर उसको प्रोसिक्यूट किया जाए, उसको सजा दी जाए, ना कि इन कानूनों को डाइल्यूट किया जाए। धन्यवाद। ये पत्र कर ले लीजिए आप।